हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आ चुके आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर गाइस यहां पे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप सबको पता होगा कि टीम इंडिया को अभी जो एक टेस्ट मैच खेलना है इंग्लैंड के अगेंस्ट, और ये टेस्ट मैच जो 1 जुलाई को हमें देखने को मिलने वाला है। ऐसे में दोस्तों, अभी आपको पता ही होगा कि अभी जो सारे प्लेयर है वो आईपीएल खेलने के बाद अभी ज्यादा क्रिकेट उन्होंने खेला नहीं है, और टेस्ट मैच तो बहुत दिन पहले जो सभी प्लेयर्स ने खेला है। तो फिर इस वजह से दोस्तों, एक प्रैक्टिस मैच जो टीम इंडिया का शेड्यूल है इंग्लैंड में, और प्रैक्टिस मैच जो हमें कल देखने को मिलने वाला, मतलब कि कल 24 जून से हमें जो 4 दिन का टेस्ट मैच हमें देखने को मिलने वाला है, प्रैक्टिस मैच ये होने वाला है। वैसे में दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टीम इंडिया का मैच जो वो लेस्टरशायर काउंटी साइड से है, और इसके अगेंस्ट टीम इंडिया को मैच खेलना है प्रैक्टिस मैच। तो भी गाइस, यहाँ पे सभी को तो प्रैक्टिस मिल नहीं सकता, इस वजह से टीम इंडिया ने ऐसा यहाँ पे उपाय लगाया है कि 11 प्लेयर जो टीम इंडिया की तरफ से खेलेंगे, और बाकी जो प्लेयर बच गए वो जो काउंटी साइड लेस्टरशायर की तरफ से खेलेंगे, ताकि सारे प्लेयर को जो मैच प्रैक्टिस मिल पाए। और गाइस, यहाँ पे उसके बाद अगर उनको प्लेइंग 11 में खेलने को मौका मिले, तो फिर वहां पे मैच प्रैक्टिस उनको कम से कम जो एक मैच का तो जोश रहे। तो भी गाइस, बात करते हैं तो भी टीम इंडिया का भी प्लेइंग 11 अभी आ चुका है, और साथ ही लेस्टरशायर का भी अभी स्क्वाड जो आ चुका है। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं कि टीम इंडिया की तरफ से कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे। तो भी मैं आप सबको बता दूं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी, केएस भरत, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और उमेश यादव, ये 11 खिलाड़ी जो टीम इंडिया की तरफ से खेलेंगे। वहीं पर दोस्तों, बात करते हैं जो 4 खिलाड़ी बच गए टीम इंडिया में, वो जो लेस्टर साइड टीम की तरफ से खेलेंगे, जहां पे चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि लेस्टर साइड काउंटी साइड की तरफ से जो हमें प्रैक्टिस मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। तो फिर गाइस, आप पे काफी अच्छा ये इनिशिएटिव है, क्योंकि सारे प्लेयर को जहां से मैच प्रैक्टिस मिल जाएगा, और टोटल से जो 15 प्लेयर टीम इंडिया के अभी है स्क्वाड में, और सभी को जो मैच प्रैक्टिस काफी इजिली से यहां से मिल जाएगा। तो फिर दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि 4 खिलाड़ी जो लेस्टर साइड की तरफ से खेलने वाले हैं, और वैसे में 11 खिलाड़ी जो टीम इंडिया की तरफ से खेलने वाले हैं। तो भी गाइस, यहां पे प्रैक्टिस मैच में आप सबको बता दूं कि कल से स्टार्ट होने वाला है, और प्रैक्टिस मैच का जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो शायद से यूट्यूब पे हमें देखने को मिलेगा। कोई एक इंग्लैंड का चैनल होगा जहां पे जो हमें लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिलने वाला है, लेकिन उसके बारे में अभी ज्यादा डिटेल नहीं है। मैं आप सबको कल शायद से अपडेट दे दूंगा कि आप लोग कहां पे देख सकते हो प्रैक्टिस मैच को, या फिर मैं आप सबको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा कि आप लोग कहां पे देख सकते हो। तो भी गाइस, यहां पे आप लोग नीचे कमेंट करके जो बताना कि आप लोग क्या प्रैक्टिस मैच को देखने के लिए एक्साइटेड हो, और आप लोग जो दोनों में से किस टीम को यहाँ पे सपोर्ट करोगे। ऑब्वियसली यहाँ पे टीम इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन 4 खिलाड़ी अभी जो लेस्टर साइड से खेल रहे हैं, तो फिर प्रैक्टिस मैच है, तो फिर इस वजह से उम्मीद करेंगे कि जो भी प्लेयर जहां पे भी खेल रहे, चाहे लेस्टर साइड से ही खेल रहे, तो फिर उम्मीद करेंगे कि वहां पे वो प्लेयर अच्छा करेंगे, ताकि टीम इंडिया को काफी ज्यादा फायदा हो सकेगा, और मैच प्रैक्टिस जो सारे प्लेयर को मिल जाएगा, और उम्मीद करेंगे कि प्रैक्टिस मैच में सारे प्लेयर जो फॉर्म में भी हमें देखने को मिले, ताकि जो टेस्ट मैच है इंग्लैंड से, वहां पे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस जो अच्छा हमें देखने को मिले। तो भी गाइस, यहां पे आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, पसंद आई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।